हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ब्यूटीफुल सा हेयर कट लेके आ गई हूँ, जिसके लिए अगर बहुत ही ज़्यादा आपके बाल डैमेज हैं तो आप इस तरीके का हेयर कट कर सकते हो। बहुत ही इजी वे में कर सकते हो, घर पे कर सकते हो। मैं अभी राजस्थान गई थी अपनी सिस्टर के घर पर, बड़ी सिस्टर के घर पर, तो वहाँ पर कोई सीजर वगैरह कुछ नहीं लेके गई थी, बट उनको हेयर कट करवानी थी और उन्होंने मुझे बोला कि कुछ भी आइडिया लगा और मेरा हेयर कट कर दे, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है मेरा हेयर। तो मैंने उनका हेयर कट किया था, लॉन्ग टू शॉर्ट किया था शोल्डर लेंथ में और काफ़ी अच्छा लुक आ गया था बाद में। तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, वहाँ पे मैं तीन व्रत के लिए गई थी और ये हैं खाटू श्याम बाबा, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वहाँ से हमने इन दोनों लड्डू गोपाल को लिया और इनको अपने घर लिया। ये छोटे वाले जो प्यारे से हैं ये हैं, दीदी ने लिया था इनको, और ये जो थोड़े मीडियम साइज़ में हैं इनको मैंने लिया था। इन दोनों जोनी को हम लोग घर लेके आए और इस तरीके से लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लंबी, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी और इस तरीके से लाइन में लग के हम लोग बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने गए थे। और ये जो भैया पीछे खड़े हमेशा बार बार मेरे कैमरे में आ रहे थे, मैं नहीं चाहती थी लेकिन ये बार बार देख रहे थे, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से लंबी लाइन लगी हुई थी, हमने इस तरीके का टीका करवाया हुआ था माथे पे एंड राधे राधे लिखा था बहुत सारे पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आधा पौना घंटा लाइन में लग के खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। उसके बाद से हम लोग गाड़ी में अपने लड्डू गोपाल को लेकर घर गए, जहाँ से दीदी के घर से लड्डू गोपाल का दर्शन करने जाना होता है तो 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो एक ही दिन हमने अपना होते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से हम लोग निकल गए थे और शाम को 8 बजे तक वापस घर भी आ गए थे, दर्शन वर्शन करके सब कुछ और लड्डू गोपाल जी को ले गए। ओके, उसकी वजह से बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हमने उस तरीके से किया। आप चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना, कर लेना, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ की अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और साथ में लाइक भी भरपूर दीजिएगा। और सिलाई से रिलेटेड काम सीखने के लिए आप मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हो, प्रीत तिवारी 2। सेकंड चैनल का नाम है, इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पर मेरी रील्स वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और ये हैं मेरे लड्डू गोपाल जिनको मैंने परचेज किया था। ये लकी अपनी दादी को दिखा रहा था कि दादी ये देखिए हम लड्डू गोपाल को लेके आए हैं, कैसा लगा है। फिर वहीं पे दीदी के घर के पास में गणपति जी का गणेश चतुर्थी चल रहा था, तो वहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम डेली किया जाता है 4 से 5 दिन तक, और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे भी आते हैं एंड प्रसाद वगैरह बढ़ते रहता है। तो मैं वहाँ पे 2 दिन रुकी थी, तो मैं 2 दिन वहाँ पे गई थी। इस तरीके से वहाँ पे डांस वांस होता है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता था। तो यहाँ पे मैं गई थी और इस तरीके से इंजॉय किया। और फिर मैं अभी अपने घर नोएडा, दिल्ली नोएडा में वापस आने के लिए रेडी हो रही थी। तो अभी हेयर कट किया था दीदी का मैंने, तो कैसे हेयर कट किया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी तरीके की वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। यहाँ पे देखिए लेडी जी भी काफ़ी डांस कर रही थी। तो इंजॉय कीजिए एंड चलिए हेयर कट बताएंगे कैसे कट करना है, पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। ओके, तो चलिए बहुत हो गया ये सब, और दिखाती हूँ आपको हेयर कट। तो ये देखिए ऐसे हेयर थे, देखिए काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, काफ़ी लॉन्ग टाइम से इन्होंने कट नहीं कराया था और बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रहे हैं। नीचे से कमर तक लेंथ थी, उसको मैं शोल्डर तक कट करूँगी। पहले अच्छे से दिख नहीं जाता तो मैंने चेयर पे बैठा लिया था इनको, और फिर चेयर पे भी कट करने में बाद में दिक्कत हो रही थी, तो पहले बस मैं जितनी लेंथ चाहिए थी उतना कट कर लूँगी। अच्छे से फॉर्म करने के लिए मैंने बोला आगे को थोड़ा सा रखने के लिए। तो अभी अच्छे से बालों को गीला करके फॉर्म कर लिया, सुलझा लिया है। अब हम लोग इसको कट करेंगे। कट करने के लिए पहले मैंने इस तरीके का जो दाढ़ी बनाने वाली कैंची होती है उससे कोशिश की, बट ये बहुत ज़्यादा छोटी थी और बाल कट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो ये देखिए चेयर कितना कितना हेयर मैं यहाँ पे कट करने वाली हूँ। और इस तरीके की मेहंदी लगाई थी मैंने, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तीज व्रत के लिए। तो तीज के एक दिन पहले मैंने ये हेयर कट किया था दीदी का, इस तरीके से पकड़ लिया है। 5 से 6 इंच तक इनका लेंथ जो है वो मैं कट करने वाली हूँ, इस तरीके से पकड़ा है, अब फिंगर में ले लेंगे और यहाँ से इस तरीके से जो चेयर का लाइन है उसके ऊपर से कट करेंगे। बहुत छोटा कैंची है तो उससे कट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ये देखिए धीरे धीरे से एकदम कट करना स्टार्ट करूँगी, और इसी तरीके से सारे हेयर को धीरे धीरे कट करते करते कट कर लूँगी, और फिर उसमें
फिनिशिंग कैसे देना है वो भी बताने वाली, और कैसे कट करोगे पूरा प्रॉपर वे में आएगा उसकी वीडियो डिटेल में मैंने बोर्ड पे पूरा समझाया हुआ कि इस तरीके से कट करना चाहिए। और आगे चल के सारी हेयर कट की वीडियोज आपको मिलेंगी और पार्लर से रिलेटेड और वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो वीडियो एंड तक वॉच किया कीजिए और अच्छे से समझा कीजिए, फिर भी कुछ डाउट रह जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दिया कीजिए कि मैं और भी अच्छे से समझाने के लिए वीडियो लेकर आ पाऊँ। तो ये कैंची इतनी छोटी थी कि कट करने में काफ़ी दिक्कत हुआ, इतनी सारी लेंथ इनकी निकली, 7-8 इंच तक लेंथ इनकी निकल गई थी। और मेरे हाथों की मेहंदी भी काफ़ी प्यारी लग रही है। तो चलिए अभी बालों की फिनिशिंग करते हैं। तो यहाँ पे बैठा कर फिनिशिंग करना पॉसिबल नहीं था, तो पॉसिबल था भी तो आप लोगों को नहीं दिखता, तो मैंने दीदी को चेयर से उतार लिया था एंड अच्छे से अभी फिनिशिंग करके दिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं छोटा छोटा कट करने। बट यहाँ पे देखिए मैं कट तो कर लूँगी लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए चेयर हटाना ज़रूरी है। और टेबल था नहीं दीदी घर पे तो दिक्कत हो रही थी। मैंने चेयर हटा दिया था ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, तो खड़े होके भी आपको समझ में नहीं आता तो मैंने बोला बैठ जाने के लिए। और कैमरे को अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आधे हेयर तो ठीक थे बट आधे के लेंथ जो थी ऊपर नीचे हो गई थी, तो इस तरीके से धीरे धीरे कट करने की कोशिश की मैंने। बट इस कैंची से कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये सिर्फ बहुत ही दाढ़ी वाढ़ी के बाल कट करने के लिए होता है इतनी छोटी कैंची। तो लास्टली मैंने कपड़े वाली कैंची से कट किया था हेयर को और काफ़ी अच्छी कटिंग आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। कैसे कट किया था वो दिखाती हूँ मैं। तो चलिए इस तरीके से पकड़ पकड़ के भी मैंने कोशिश की थी कैंची से हो जाए बट नहीं हुआ। फिर मैं हेयर कपड़े कट करने वाली कैंची से कट करूँगी और बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा, बाद में आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे इस तरीके से कपड़े काटने वाली कैंची ले ली थी, इससे फटाफट कट गया था हेयर क्योंकि दीदी घर पे हेयर कट करने वाली कैंची नहीं थी। तो प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा कि आपने इस तरीके से क्यों कट किया, कैंची ले लीजिए ये वो। तो हम लोग इंडियन हैं और जो गार्ड लगाते रहते हैं तो बस कटिंग होनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए हेयर, इससे मतलब है किस चीज़ से कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो काफ़ी अच्छा सा लुक आ गया था, बाद में बहुत ही प्यारा लुक आया था इनके बालों का और सूखने के बाद ही बहुत कमाल के दिख रहे थे। बस हेयर को टाइम टाइम पे ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है जिससे कि आपके हेयर जो है वो हेल्दी दिखे। कट नहीं करवाने, कई लोग सोचते हैं कि कट करवाएंगे तो हमारे हेयर छोटे हो जाएंगे, लेकिन आप कट नहीं करवाओगे तो आपके बाल झाड़ू की तरह दिखेंगे जो कि काफ़ी बेकार लगते हैं। देखिए इनके पहले और बाद में की फ़ोटो में आपको वीडियो में दिख रहा होगा कितना ज़्यादा डिफरेंट आया है और कितना ज़्यादा अंतर दिख रहा है बालों में। अभी कोई नहीं कह सकता कि ये वही बाल हैं जो आपने स्टार्टिंग में देखे थे। और इस तरीके का लुक आया था इनके बालों का, अच्छे से कॉम करके हर जगह से चेक करेंगे, जहाँ से भी छोटा बड़ा होगा वहाँ से हम दोबारा कट करेंगे। तो यहाँ से लंबा दिख रहा है हमारा हेयर, तो यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से। ओके, अब फिर बार बार कॉम करेंगे और अच्छे से चेक करेंगे, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी रहना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पे लाइट यू बोल सकते हो, इसको स्ट्रेट भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से कट कर लिया हमने, बार बार कॉम करके चेक करिए, कहीं से भी एक्स्ट्रा लगे तो वहाँ से आप कट कर दीजिएगा। अब इसको हम लोग अच्छे से हिला डुला के चेक करेंगे एंड बीच में सेंटर में बालों को ला के चेक करेंगे कि दोनों साइड से बराबर है या नहीं। तो ये बिल्कुल बराबर था और ऐसे कोनी करोगे तो कुछ इस तरीके की लुक आएगी। ओके, कहीं से भी कुछ भी बाल नहीं निकल रहा है, एक भी छोटा बड़ा बिल्कुल बराबर है, अच्छे से कट हो चुका है, स्ट्रेट है प्रॉपर वे में। और इस तरीके से क्लचर भी लगाओगे तो काफ़ी प्यारा लगेगा, खुले रखोगे तो भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आ गया हो कि कैसे कट करोगे। अगर आपको पार्लर नहीं जा सकते हो, घर पे कट करना है, आपके पास सीजर भी नहीं है, तो आप इस तरीके से ट्रिक्स यूज कर सकते हो जैसे मैंने अभी किया था। हेयर कट अच्छा लगा हो, इनके बाल कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सेकंड चैनल पर जाके विजिट जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इजीली जा सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर भी जाके मेरी रील्स वीडियोस देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिले मेरे लड्डू गोपाल से दोबारा से। बाय बाय।